हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो में और मैं इस वक्त बना हुआ हूँ भाई, क्या क्या कहलाता है ये भाई, मैं कुछ हूँ बस, आप देख सकते हैं सामने, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आपको भी आ रहे हैं तस्वीरें कितना और जाए। जी जी और भाई हमारे एक दोस्त आ गए, ये हमारे आहत भाई, फाइनली हम मिल गए, फाइनली मिल गए। हम तकरीबन आधे घंटे से इनको ढूंढ रहे थे लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। हमारे अनस भाई ने काफी सबर करा, वो चाह रहे थे कि ओ माय गॉड भाई, खाबे आबे वाला सीन नहीं है अभी अभी फिलहाल, कवर करना है पूरा तकरीबन सारे हॉल्स को। और हम लोग इस वक्त निकल रहे हैं एक दूसरे हॉल की जानिब। हाँ जी हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ थके तो नहीं आप? लास्ट टाइम भी हम लोग किसी जल्दबाजी कर, लास्ट टाइम तो हमारा रह गया था भाई, हम आ ही नहीं पाए, हमारा सीन ही नहीं बना, हम लोग आ गए। इस बार हम आहत भाई के साथ और अनस उर्फ मदनी के साथ आए, अनस AKA मदनी, आप इनको फेसबुक पर बहुत मशहूर जानेंगे, ये टीचर भी हैं हमारे, ये हमारे CA कर रहे हैं भाई, आप CA को देख सकते हैं, इतना फ्रेश आपने कभी देखा होगा कहीं CA सामने देखा हो, ज़्यादा शेप वेव हुआ हुआ, मतलब फ्रंट पे ज़्यादा चीज़ अच्छी है, फ्रंट पे ज़्यादा अच्छी जी। ओके जी, तो इस वक्त हम हॉल 8 हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला में मौजूद हैं, एक इंटरसेप्टर खड़ा हुआ है यहाँ पर जो कि पाकिस्तानी मेड है फुल, आप देख सकते हैं ये बेसिकली एंटी वॉरियर हमारा व्हीकल है जो कि आप जंग के दौरान इसको बहुत आसानी से लेकर जाकर दुश्मन के घर में घुसकर उसकी वाट लगा कर आ सकते हैं। और बेसिकली हमज़ा का आपने देखा होगा, हमारे जो वजाहत भाई हैं उन्होंने हमज़ा का पूरा एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू किया था जिसमें हमज़ा भाई ने काफ़ी कुछ बताया था इसके बारे में, सॉरी। तो ये बेसिकली हमारा एंटी वॉरियर व्हीकल है हमज़ा, दिस इज़ 6x6 IFV। तो इसके मैं शशके आपको थोड़े से दिखाना चाहूँगा, ये तकरीबन क्या बना है यार। ओके जी, तो ये कुछ इस तरह का है हमारा एंटी वॉरियर हमज़ा और ये इसके व्हील्स हैं और ये इसका थोड़ा सा इनसाइड है, अगर मैं आपको दिखा सकूं या आप लोग देख सकें तो ये इसके सामने मौजूद है यार, ये बहुत कोई बाप चीज़ बनाई है। दिस इज़ हमज़ा, आप देख सकते हैं एक नॉर्मल आदमी की हाइट से कितना ऊंचा है ये और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है वो बिल्कुल ऑब्वियस है, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। तो ये सब जितना का जितना कुछ भी मेड है ये सब पाकिस्तान मेड है, इट्स पोर्टेबल ऑक्सिलरी पावर सॉल्यूशंस। और इसमें आप हमारा एक व्हीकल देख सकते हैं इसके ऊपर एक बहुत ही हैवी कैलिबर की इसमें गन मौजूद है, दैट इज़ टोटली इक्विप्ड विद द मशीन गन। एक और हमारे पास इंटरसेप्टर मौजूद है, ये हमज़ा का छोटा भाई है बेसिकली, आपने जैसे पीछे हमज़ा को देखा हो तो इसकी तकरीबन जो मेड है, तो इसकी तकरीबन जो मेड है वो बिल्कुल रिजेंबल करती है हमज़ा से, हमज़ा 6x6 से, लेकिन आप इसको कह लें कि ये 4x4 है हमारा और 4x4 में आपको थोड़ा सा हमज़ा का लुक जो प्रोवाइड कर रहा है वो है हमारा ये पाशा। एंड ये भी आप कह लें कि इसके अंदर तकरीबन 6 से 8 जवान जो हैं बैठकर कहीं भी बैटल में बहुत आसानी से घुसकर अंदर जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं और कामयाबी से अपना जो है टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ स्मॉल ब्रदर ऑफ हमज़ा और हमज़ा आपके सामने बैक साइड पर दिख रहा होगा, एंड दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट आई कैन से कि ये एक ये ट्रक भी आप कह लो या कुछ भी कह लो, इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी इक्विप कोई यहाँ पर वॉरियर इक्विपमेंट आर्मर्ड मौजूद है। तो
जाएगा। ओके जी, जब पाकिस्तानी सर की मशीन देखते हैं तो थोड़े से उनकी फीलिंग हो जाती है ऑकवर्ड। तो ये माइका डॉट पी के की मशीन लगे लिए, और इस वक्त जो है यहाँ पर कुछ हिदायत हैं जो कि यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इधर से अगर आपको कुछ निकालना हो तो उसकी जो कीमत है कम से कम वो है सिर्फ 10, 20, 50, 100 के नोट या 5 रुपये का सिक्का दाखिल करें, और मतलूबा अशिया हासिल करने के लिए कोड दाखिल करें, मसलन A5 और प्रोडक्ट का बटन। अच्छा ओके जी, पाकिस्तानी जब इसके अंदर पैसे डालते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है, ये मुझे पता है। 4 दिन बाद इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि नोट आपका बहुत पुराना है, स्टेल हो गया है। नोट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यार, मतलब ये गलत बात है यार, ये गलत नोट ले ले भाई। भाई नोट किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त भाई इधर भी तो बना। नोट डालने के बाद इन्होंने हमें बोले कि आप 50 रुपये डालें, अब आप इसके बाद मिलाना है अपने कोड। कोड है मेरा स्ट्रिंग का कोई 63, और ये हमने लगा दिया कोड 63। प्राइस 45 आ गई है, आप देख सकते हैं। और कुछ कंपार्टमेंट से अशिया वसूल करें। हाँ हाँ पुश ये ही है ना भाई, कहाँ से आएगा ये लिखा हुआ ना, बकिया रुपया वसूल करने के लिए अभी चीज दबा लिया तुमने। अबे इसने ही दबाया था, रुक गया ना भाई, मेरी कोल्ड ड्रिंक अभी तक नहीं आई है ना। आई थिंक तुम्हारे पैसे घस गए सर, कोड दोबारा से। वेलकम टू माय इवेंट, कहाँ लगा दिया कोड दोबारा से करवाया। भाई मेरा नाजरीन जैसे कि आप देख सकते हैं गेंद यहाँ पर गिरा और अभी यहाँ से निकल कर आ जाएगा वहाँ से, ये कहीं ना कहीं से आएगा। भाई 50 रुपये डालकर 45 रुपये का स्ट्रिंग का गेन ले लिया है, मतलब चेक करो यार मेरे पैसे इसे डालकर निकाल कर आ रहा है। LY80 लोमार्ट्स, चाइना ओरिजिन है, चाइना हमारा दोस्त जिसने हमें ये बनाकर दिया है। बेसिकली ये मिसाइल लॉन्चर है हमारा, और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये हमारा IBIS-150 रडार है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने मौजूद है ये रडार। और इसके बाद हमारा एक और रडार बेस्ड वहीकल है, दैट इज़ गाइडेंस वहीकल GV-LY80 लोमार्ट्स, ओरिजिन इसका भी चाइना है। तो ये भी हमारे ब्रदर मुल्क चाइना की तरफ से दिया गया है, और ये हमारे कुछ बैटल टैंक्स हैं आप देख सकते हैं, दीज आर द बैटल टैंक्स बेसिकली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी आप देख सकते हैं, इट्स क्वाइट हैवियर। और आई थिंक कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दैट व्हाट आर दे डूइंग बेसिकली। दे आर ये आई थिंक इसको जो है बंद कर रहे हैं, तो इसका एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है जो कि आप देख सकते हैं। को धोखा देने के लिए इसके ऊपर एक एक ग्रास लेयर की जाती है, जो कि अगर कोई ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट वगैरह गुजरे तो वो डिटेक्ट ना कर पाए कि नीचे क्या कोई इक्विपमेंट है या नहीं। गाइस फॉर टुडे इट्स डन, और काफ़ी ज़्यादा हो गया है अब, नाउ दे आर पैकिंग, तो काम हो गया है ख़त्म आज के दिन को भी करते हैं हम एंड।